सुप्रभात बच्चों, मैं मनीषा उनियाल आपकी कक्षा अध्यापिका। आज मैं आपको हिंदी पाठ 4 अच्छे पड़ोसी पढ़ाऊंगी। सबसे पहले सुविचार। मैं सबका आदर करती हूँ, मैं सबका आदर करती हूँ। बच्चों, हमें सबका आदर करना चाहिए। आइए बच्चों, पाठ 4 पढ़ते हैं, अच्छे पड़ोसी। नए शब्द पड़ोसी, चिकित्सा, प्राथमिक, साथ सज्जा। मैं और मेरा परिवार कुछ ही दिन पहले शिमला से दिल्ली आए। पिताजी के तबादला होने के कारण हमें दिल्ली आकर बसना पड़ा। हमें हमारे नए पड़ोसी सोहन के माता पिता ने हमारी बहुत मदद की। नए घर की साज सज्जा में उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। उन्होंने समय पर दोपहर का खाना और शाम की चाय भी भेजी। सोहन ने मुझे अपने सभी दोस्तों से मिलवाकर उनसे मेरी दोस्ती करवाई। सभी नए रास्तों और स्थानों से सोहन के माता पिता ने हमें अवगत कराया, हमें सभी स्थानों के बारे में बताया। एक दिन मेरी छोटी बहन कमला को गहरी चोट लगने पर सोहन की माताजी ने जल्द ही उसे प्राथमिक चिकित्सा दी। उनकी इस मदद से हमारा बहुत बड़ा दुख टल गया। पड़ोसियों के अच्छे व्यवहार को देखते हुए मेरी माता जी ने मुझे अच्छे पड़ोसी होने के गुण बताए। जैसे किसी अतिथि के घर आने पर हमें उसे आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। दूसरों से मिलजुल कर रहना चाहिए, बहुत प्यार दिखाना चाहिए। झगड़ा ना करके अपने दोस्तों पड़ोसियों के काम आना चाहिए आदि। हमें हमेशा अपने दोस्तों के पड़ोसियों के काम आना चाहिए और कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। उद्देश्य, पड़ोसियों के प्रति प्रेम स्नेह व सहानुभूति का भाव जगाना। अध्यापन सर के पाठ को शब्द पड़ोसी, आसपास रहने वाले, चिकित्सा उपचार, प्राथमिक पहला, साज सज्जा सजावट। बच्चों, आप सभी इस पाठ को जोर जोर से दोहराएंगे।